हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज जो है एलिमेंट का जो है हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए, इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। आपकी लाइन जो शुरुआत है वो यहाँ से है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ठीक है। यहाँ से लेकर नेवर मोर तक है, ये पहला स्टैंजा है। और दूसरा स्टैंजा आपका जो है आउट से लेके आउट ऑफ से लेके नेवर मोर तक है, यहाँ तक है। लेकिन हम आपको दोनों स्टैंजा का जो है, दोनों स्टैंजा इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक ही कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो की खासियत रहती है कि हम एक ही कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, तो इसलिए अब दोनों में काम देगा। तो आप ये कॉन्टेक्स्ट याद कर लीजिए, दोनों में काम दे देगा, नहीं तो आपको सीरीज में और विद्या क्वेश्चन में आपको अलग अलग भी मिल जाएंगे गाइड में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, एक ही कॉन्टेक्स्ट आपका दोनों में काम देगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है इतना अच्छा, तो उसके बाद दोनों का हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सॉरो, कवि अपने दुख को व्यक्त करता है, एट द लॉस माने हानि पर, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की, ऑप्टिमिज्म माने आशावाद की, एंड कैपेसिटी टू बी हैप्पी और प्रसन्न होने की क्षमता की। तो पूरे का अर्थ हो जाए कवि, देखिए फिर से देख ले रहे हैं, द पोएट एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ हिज सॉरो, कवि अपने दुख को व्यक्त करता है, एक्सप्रेसेज माने व्यक्त करना, किस पर दुख को अपने व्यक्त करता है, एट द लास्ट हानि पर, किस चीज़ की हानि पर, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की हानि पर, ऑप्टिमिज्म आशावाद की हानि पर, एंड कैपेसिटी टू बी हैप्पी और एंड हिज कैपेसिटी टू बी हैप्पी और अपने प्रसन्न होने की क्षमता की हानि पर। तो पूरे का अर्थ एक साथ बताते हैं, तो कवि आत्मविश्वास आशावाद और अपने प्रसन्न होने की क्षमता की हानि पर अपने दुख को क्या करता है, व्यक्त करता है। कैसे व्यक्त करता है वो चीज़ कविता में आप एक्सप्लेन में बताएंगे, पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्टेस्ट का। तो ये था आपका कॉन्टेस्ट, चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एलिमेंट का जो है बाय पीवी शैली, इसका जो है पहला स्टैंजा जो आपका है, देखिए, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। एक बार हम इसका अर्थ फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि एक बार तो हम पढ़ा चुके हैं, आप पूरा पढ़ना चाहो तो आप देख सकते हो, इसकी वर्ड मीनिंग भी अपलोड है चैनल पर, सब कुछ आप देख सकते हो। फिर एक बार इसका हम जल्दी से अर्थ बता दे रहे हैं, तुरंत एक्सप्लेन बताएंगे ताकि आपको पूरे समझ में आ जाएगा। देखिए, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, कभी कह रहा है कि हे संसार हे जीवन हे समय, ठीक है, तुरंत इसका अर्थ बता के तुरंत एक्सप्लेन बता रहे हैं। हे संसार हे जीवन हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर, तो यहाँ स्टेप माने चरण भी होता है, सीढ़ी भी होता है, लैडर माने सीढ़ी होता है, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइम मैं चढ़ा हूँ, ट्रेम्बलिंग एट दैट, वहीं से मैं ट्रेम्बलिंग मीन्स कांप रहा हूँ, सीवरिंग माने कांपना होता है, ठीक, यस एच आई वी आर आई जी, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ पर मैं पहले खड़ा था, मैं वहीं से कांप रहा हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था, वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी प्राइम माने होता है युवावस्था, यंग एज या यूथफुलनेस, तुम्हारी युवावस्था का ग्लोरी मीन्स होता है वैभव, डिग्निटी, तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब वापस आएगा, नो मोर, नहीं आएगा, नेवर मोर, कभी नहीं आएगा, क्लियर, तो नो मोर माने अब नहीं आएगा, नेवर मोर, फिर कभी नहीं आएगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं लाइन वाइज लाइन। तो देखिए यहाँ आपको शुरुआत में करना क्या है, शुरुआत में तो आपको लिख देना है द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि, क्लियर, इतना लिखना है। उसके बाद आपको कैसे लिखना है अपने भाषा में बता के लिखना है, क्लियर, तो आपको ये कर देना कि द पोएट सेज दैट, क्लियर, कभी कहता है कि, एक ये तरीका इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, पोएट सेज दैट तो कर ही सकते हो, या फिर दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, द पोएट एड्रेसेज वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम, क्लियर, ऐसे लिख दो और बेटर हो जाएगा, कि कभी संसार जीवन और समय को क्या करता है, संबोधित करता है, ठीक है, एड्रेसेज AWDREESS, द पोएट एड्रेसेज दैट से भी कर सकते, द पोएट एड्रेसेज द वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम, क्लियर, कभी संसार समय और जीवन को संबोधित करता है, क्योंकि इसमें संबोधित कर रहा है ना, पहले ही लाइन में संबोधन लगा, उसके बाद आप करो कि ही सेज दैट, वह कहता है कि, डायरेक्ट, क्लियर, एक लाइन लिखने के बाद आप कह सकती हो, ठीक, तो ही सेज दैट, वह कहता है कि, या फिर डायरेक्ट भी आप द पोएट सेज दैट कर दो, आपकी इच्छा, एड्रेसेज लिख के क्लियर कर दो तो और बेटर होगा, क्लियर, द पोएट एड्रेसेज वर्ल्ड लाइफ एंड टाइम, ही सेज दैट, वह कहता है कि, संबोधित करता है तीनों को, फिर कहता है कि, क्या कहता है कि, वर्ल्ड, तीनों के ऊपर सेंटेंस बना दो, क्लियर, कि हिज वर्ल्ड इज विदाउट जॉय, उसका संसार जो है बिना आनंद के हैं, हिज लाइफ इज विदाउट डिलाइट, उसका जीवन बिना आनंद के हैं, क्लियर, जॉय लिखो आनंद की, डिलाइट लिखो, हिज टाइम इज विदाउट प्लेजर, उसका समय बिना खुशी के हैं, क्लियर, मतलब तीनों में उसको कोई खुशी नहीं है। तो बता दो कि आगे, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम,
जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हूँ। मतलब क्या, सोचो कवि क्या कहना चाहता है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कि द पोएट कंपेयर्स हिज लाइफ टू ए लैडर, कवि अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है। क्लियर, ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, वह स्वयं को कल्पना करता है टू बी स्टैंडिंग, खड़ा हुआ ऑन इट्स लास्ट रंग, आर यू एन जी, रंग माने होता सीढ़ी का डंडा, रंग में शरीर एक तो रिंग का थर्ड फॉर्म होता है और एक होता है रंग, ठीक है, सीढ़ी का डंडा भी होता है इसी माने जब नाउन के रूप में रहेगा। ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, वह स्वयं को जो है सीढ़ी के अंतिम डंडे पर खड़ा हुआ कल्पना करता है, ऐसे कल्पना करता है जैसे वो खड़ा हो। क्लियर, ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग, ऐसे भी कहते यही है वक्त विस्तार में कहते हैं, ही इमेजिन्स दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट रंग ऑफ द लैडर। क्लियर, कि जीवन की तुलना कर रहा है लैडर से। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वहीं से मैं कांप रहा हूँ जहाँ मैं पहले खड़ा था। कहने का मतलब क्या है, कवि जो है मतलब ये ऐसा सोच रहा महसूस कर रहा है कि वो पहले क्या था, बहुत शक्तिशाली पर्सन अपने आप को फील कर रहा था लेकिन अब कमजोर पर्सन फील कर रहा है। क्लियर, तो आप इसमें इसके ऊपर सेंटेंस कर रहे हो कि द पोएट, ठीक है, इमेजिन्स, ठीक है, आर फील्स भी कह सकते हो, द पोएट फील्स। क्लियर, द पोएट फील्स एज इफ ही वर सीवरिंग, ऐसे कल्पना करा जैसे वो कांप रहा हूँ, ट्रेम्बलिंग मतलब सीवरिंग। क्लियर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर का इसको परसेंटेज क्या बनाओगे कि ही फील्स दैट अर्लियर मीन्स पहले ही थॉट हिमसेल्फ ए स्ट्रांग पर्सन, वो अपने आप को क्या शक्तिशाली व्यक्ति जो है महसूस कर रहा था, ठीक है, बट नाउ ही फील्स एज इफ ही हैज नो पावर, लेकिन अब वो ऐसा महसूस कर रहा है जिसके पास कोई शक्ति ही ना हो। When will return the glory of your prime, तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब आएगा वापस, ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब वो अपने आप से पूछ रहा है, किसी दूसरे से नहीं पूछ रहा है। तो इसके ऊपर सेंटेंस आप बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पोएट्री जितना ज़्यादा सेंटेंस बना गए ले गए कब क्या कहना चाहते हो वही आपका एक्सप्लेनेशन हिट जाएगा। तो मतलब तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब आएगा, कहने का मतलब ये द पोएट आस्क्स, ठीक है, हिमसेल्फ, कभी स्वयं से पूछता है इफ हिज डिग्निटी ऑफ यूथफुलनेस एवर रिटर्न्स, क्या कि क्या उसके युवावस्था का वैभव कभी वापस आएगा। नो मोर ओ नेवर मोर का मतलब क्या होगा, तो ही सोल एट वंस रिप्लाई, उसकी आत्मा तुरंत उत्तर देती है दैट इट विल नेवर रिटर्न, कि यह कभी वापस नहीं आएगा। क्लियर, तो ये आपका एक्सप्लेन होगा, इस तरह से आपको एक्सप्लेन बना के लिखना होगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, न समझ में आओ तो एक दो बार फिर वीडियो को आप सुन लीजिए, लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अब अगले एक्सप्लेन पे आते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम दोनों एक्सप्लेन बता दे रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट भी एक ही रहेगा। आपका जो है एलिमेंट का दूसरा स्टैंजा हम इसका अर्थ देख ले रहे हैं, तुरंत हम इसका एक्सप्लेन देख रहे हैं, ठीक। आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के बाहर ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक खुशी उड़कर जा चुकी है। कवि कह रहा है दिन और रात के बाहर एक खुशी उड़कर जा चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी बसंत ऋतु एंड समर और ग्रीष्म ऋतु एंड विंटर होर और बर्फीली शीत ऋतु, होर मिस होता है स्नोई, बर्फीली। मूव माय फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरे कमजोर हृदय को दुख के साथ हलचल पैदा करती है। फेंट मिस होता वीक, मेरे कमजोर हृदय में दुख के साथ मूव माने हलचल पैदा करना। बट विथ डिलाइट, लेकिन सुख के साथ नो मोर माने नहीं, ओ नेवर मोर कभी नहीं। तो चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। आउट ऑफ डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कब कह रहा है कि, तो आप शुरुआत में कह रहे द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि, क्लियर, ही फील्स जॉय नादर इन द डे नॉर इन द नाइट, कभी कहता है कि वह जॉय को ना तो दिन में महसूस कर पा रहा है ना तो रात में। क्लियर, मतलब उसको कभी आराम नहीं है, ठीक है। द पोएट सेज दैट ही फील्स जॉय नादर इन द डे नॉर इन द नाइट, क्लियर, पहले दूसरे के उसको छोड़कर जा चुकी। इसके ऊपर एक और सेंटेंस बनाओ, द जॉय हैज लेफ्ट हिम फॉर एवर, खुशी उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। क्लियर, उड़कर जा चुकी है खुशी, कहने मतलब उसको छोड़ दिया। क्लियर, द जॉय हैज लेफ्ट हिम फॉर एवर कर दो या कंप्लीटली भी कर सकते हो, द जॉय हैज लेफ्ट हिम कंप्लीटली। क्लियर, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने के लिए सोचना है। आगे देखिए, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, ठीक है, फ्रेश स्प्रिंग समर एंड विंटर होर मीन्स मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ,
बट विथ डिलाइट मोर। ताजी बसंत ऋतु, गर्मी की ऋतु और जाड़े की ऋतु मेरे कमजोर हृदय में दुख के साथ हलचल पैदा करती है, क्लियर, लेकिन सुख के साथ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बसंत ऋतु, ये तीनों ऋतुएं जो है पहले उसको कभी को जो है खुशी देती थी, लेकिन अब उसको कोई इनमें खुशी नहीं मिल पा रहा है, दुख मिल रहा है, क्लियर। तो मतलब आपको बताना पड़ेगा, इसमें सेंटेंस बनाओ, द सीजन्स लाइक स्प्रिंग समर एंड विंटर, क्लियर, लाइक मतलब कि बसंत ऋतु और गर्मी और जाड़े की ऋतु, क्लियर। द सीजन्स लाइक स्प्रिंग, ठीक है, समर एंड स्नोवी विंटर, स्नोवी विंटर माने बर्फ से, क्लियर। अर्लियर यूज्ड टू गिव हिम प्लीजर, पहले उसे क्या दिया करती थी, आनंद दिया करती थी, क्लियर, बट नाउ दीज सीजन्स गिव हिम नो प्लीजर, लेकिन अब ये ऋतुएं उसे कोई आनंद नहीं देती हैं, क्लियर, ठीक है। एट दिस टाइम, इस समय, दिस सीजन्स ओनली एड हिज ग्रीफ, अब केवल उसके दुख को बढ़ाती हैं, क्लियर। तो इन हिज वीक हर्ट, क्लियर, उसके कमजोर हृदय में, क्लियर। या ऐसे भी कह सकते हो कि नाउ ही फील्स एज इफ हिज हर्ट, ठीक है, हैड बीन वीक, क्लियर, वैसे मैं सोचता जिसका दिल कमजोर हो गया, क्लियर। नो मोर ओ नेवर मोर के बारे में भी फिर आप सेंटेंस बनाइए कि ही आस्क्स हिज इनर सोल, वो अपनी अंतरात्मा से पूछता है, ठीक है, कि इफ दिस हैप्पीनेस, क्लियर, विल एवर कम बैक, क्या यह प्रसन्नता कभी वापस आएगी। तो हिज इनर सोल रिप्लाइज दैट इट हैज़ गॉन फार एवर एंड नेवर टू रिटर्न, कि यह हमेशा के लिए चली गई, कभी वापस आने के लिए नहीं है, क्लियर। इस तरह से आपका एक्सप्लेन कंप्लीट हुआ, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे ही, और वीडियो की को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।